शीला के रसोई में आप लोगों को स्वागत है। आज चलिए बेसन का भुजिया बनाते हैं। उसके लिए 200 ग्राम बेसन लिए हैं और उस बेसन में मसाला सब डाल रहे हैं। मसाला में लाल मिर्चा का पाउडर है एक चम्मच, एक चम्मच हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर इसलिए दे रहे हैं कि कलर के लिए, आप नहीं भी दे सकते हैं, दूसरा कलर अगर देना है तो कलर फ्रूट्स कलर भी डाल सकते हैं। एक चम्मच काला मिर्च का पाउडर डाले हैं और एक चम्मच हम लोग मसाला बना कर रखते हैं धनिया का, वो भून करके उसको मसाला तैयार रखते हैं वो डाले हैं। फिर थोड़ा सा चाट मसाला डालें, नमक स्वाद अनुसार डालें। अब इसमें 2 चम्मच रिफाइंड डाल दिए, उसमें मिला करके पानी से अच्छी तरह से गूँथ लेना है, पूरा डो तैयार कर लेना है उसका। जैसे रोटी बनाते हैं और आटा तैयार करते हैं उसी तरह से, मतलब उसे थोड़ा सा हल्का पानी ज़्यादा पड़ेगा बस। वो आप देख रहे हैं जैसे हम बना रहे हैं उसी तरह आप लोग भी अपना घर में एक बार ट्राई करिएगा इस तरह से ही, क्योंकि इसको गीला बनाइएगा तो आपका भुजिया तैयार नहीं होगा। इसी तरह से तैयार करना हो जैसे हम तैयार कर रहे हैं। उधर कढ़ाई में तेल जो है हम गर्म कर रहे हैं, गर्म हो रहा है और अभी नया फ्रेम आ गया है बहुत तरह का, आप बोतल में भी छेद करके भी बना सकते हैं भुजिया, लेकिन हमारा बहुत 20-25 साल पुराना है जो पहले हम बनाते थे। खाने का शौकीन हम पहले से ही हैं, तो देखिए ये पहले का है, 25-30 साल पहले का है और इसी में हम भुजिया बनाते थे। कभी मीठा भुजिया भी बना कर दिखाएंगे। ये बेसन का भुजिया है, इसी में आलू का भुजिया बनाते हैं बहुत तरह का। ये चना दाल का बेसन का बना रहे हैं भुजिया। और इस तरह से आप सरसों का तेल था, सरसों का तेल गर्म हो गया था, अब इसी तरह पानी के सहारा ले करके और जो अंगूठा के बगल वाला जो होता है उससे ऐसे करके घसना रहता है। देखिए आप ज़्यादा भी तेल दे करके छान सकते हैं, हम कम तेल ही दे करके बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाना है इसीलिए। इस तरह से आप लोग घर में भुजिया बना लीजिएगा। बाहर जाने का क्या ज़रूरत, होटल से लाने का क्या ज़रूरत, दुकान से लाने का क्या ज़रूरत है। जितना आप टेस्टी बनाए, इसमें जितना मसाला आप माने उसमें डाल सकते हैं आप डालिए, और बहुत तीखा खाना है तो लाल मिर्चा का पाउडर ज़्यादा डाल दीजिए। इस तरह से घर में भुजिया आप तैयार कर सकते हैं। हम शुरू से ही अपना घर में तैयार करके रख देते हैं, कोई गेस्ट आते हैं दोस्त लोग आते हैं तो सब चाय के साथ इसी तरह भुजिया डालते हैं। हम रेडीमेड भुजिया नहीं खरीदते हैं बाहर से। तो हम सोचे मेरे रसोई में बन रहा है तो आप लोगों के बता दें कि देखिए हम बना रहे हैं, तो आप लोग भी घर में बना करके बुयाम में शीशा वाला बुयाम में स्टोर करने के लिए, ये आप 1 महीना तक भी खा सकते हैं। उसको स्टोर करने के लिए आप शीशा के बर्तन जो होता है बुयाम जिसको हम लोग कहते हैं उसमें डाल कर रखिएगा तो ज़्यादा लंबा तक चलता है। पूरा कुरकुरा है, खाने वाला सोडा कुछ भी बाहर का चीज़ नहीं डाले हैं, वो तो आप देख रहे हैं पूरा कुरकुरा है, बहुत टेस्टी है। हम तो खाए हैं, आप भी अपना घर में एक बार ट्राई करिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इतना तो बनता है, मेहनत जो करते हैं तो इतना तो बनता है कि आप कमेंट करें। देखिए कितना टेस्टी, बहुत टेस्टी भुजिया तैयार हुआ है। दूसरे दिन आपको आलू का भुजिया दिखाएंगे, मेरे चैनल पर देखिएगा, दूसरे दिन डालेंगे, बहुत टेस्टी भुजिया, ट्राई करिए।